प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश पर मध्य प्रदेश सरकार ने हरित क्रांति के तहत 5 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाने का मिशन तैयार किया है। इस योजना के तहत इंदौर में पिछले 7 दिनों में 51 पौधे लगाए जा चुके हैं। बता दें कि 7 जुलाई से इस अभियान की शुरुआत की जाएगी जो 14 जुलाई तक चलेगी। इंदौर में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस अभियान से जुड़े गाने और लोगों के साथ योजना का शुभारंभ कर दिया है। बता दें कि इंदौर के नक्षत्र कन्वेंशन सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर मोहन यादव ने ऐलान करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सरकार 51 लाख पौधे लगाने के लिए इंदौर नगर निगम और वन विभाग को 10 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने इंदौर को पौधारोपण अभियान के लिए लोगों को वेबसाइट मिस्ड कॉल नंबर 8889995449 की सोशल मीडिया कैंपेन आदि का भी विमोचन किया। इस योजना को एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम से संबोधित किया गया है। उन्होंने जिला प्रशासन द्वारा तैयार सेवा हेतु मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया। हमने एक और प्रयास किया है कि हमारे अपने यात्रियों के लिए खास करके बीमारी की अवस्था में आप एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करिए 5 लाख तक का आयुष्मान कार्ड दे करके सबके जीवन के लिए स्वास्थ्य की सबसे बड़ी सुविधा दी है। और अब तो मोदी जी की तीसरी बार सरकार बन गई है और नड्डा जी ने कहा कि हम बहुत जल्दी प्रयास कर रहे हैं। जो हमारा संकल्प है 70 साल से बड़ी उम्र के कोई भी जाति धर्म के कोई भी आय वर्ग के कोई भी व्यक्ति को इलाज कराना हो तो 5 लाख तक का इलाज सभी हॉस्पिटल में प्राइवेट सरकारी सभी में सरकार खर्चा उठाएगी। तो हमने तय किया है ऐसे में उस हॉस्पिटल में उदाहरण के लिए उज्जैन में भर्ती हो और आपको लगे कि उज्जैन के बजाय इंदौर ले जाना है दिल्ली बंबई ले जाना है क्योंकि बीमारी गंभीर है मरीज की हालत खराब है तो आप चिंता मत करना आयुष्मान कार्ड वाले के लिए हेलीकॉप्टर आएगा। कलेक्टर और डॉक्टर दोनों डिसाइड करेंगे उसको उठाकर हेलीकॉप्टर से दिल्ली बंबई जहां पहुंचाना है वहां पहुंचाएंगे। आयुष्मान वालों को तो पैसा नहीं लगेगा लेकिन जो आयुष्मान में नहीं है उनके लिए जरूर 2 लाख रुपए की उसकी फीस लगने वाली है क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है पैसे का महत्व नहीं है जान बचाना जरूरी है ये सौगातें देना बहुत आवश्यक है।